बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेगरा प्रखंड अंतर्गत गौरा एक अवस्थित श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का धार्मिक आयोजन के तीसरे दिन वेदी पूजन के साथ वैदिक मंत्र उच्चारण से क्षेत्र गुंजायमान रहा। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण का माहौल बना हुआ है। तीसरे दिन प्रवचन के दौरान वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचिका देवी नेहा सरस्वत जी के द्वारा विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन देते हुए भक्ति से ओतप्रोत भजन पेश किया गया। अमृत वाणी सुनकर श्रद्धालुओं भक्त मंत्र मुग्ध हो गया। इस दौरान श्रीमद नारायण नारायण हरे हरे जैसे भजनों पर श्रद्धालुओं को झूमते देखा गया। देवी सारस्वत ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने इस धरती पर बार बार जन्म लिए। इस कलयुग में राम और कृष्ण का नाम ही भवसागर पार लगा सकता है। उन्होंने भागवत महापुराण को साक्षात भगवान का स्वरूप बताया। उन्होंने भागवत गीता को नारायण का अंग बताते हुए कहा कि भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलता है, मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हिंदुओं की 18 पुराण में एक श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। उन्होंने कहा कि भक्त उन्हें सच्चे हृदय से बुलाता है। भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु हर जगह प्रकट हो जाते हैं। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। उन्हें आह्वान किया कि इन कथाओं से सीख लेनी चाहिए। तीसरे दिन भगवान के विभिन्न लीला का विस्तार और मनमोहक ढंग से वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। मौके पर महंत संदीप दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से पधारे। महंत कल्याण जी, प्रेमदास जी महाराज ब्रह्मचारी, महंत राघवेंद्र दास, महंत कौशल किशोरदास, यगाचार्य जय राम बाबा आतिश दास व आबिद दास सहित भारी संख्या में आचार्य और विद्वान पंडित यज्ञ में शामिल हुए। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। भैया एक बात बताओ, क्या आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हो क्या? ऐसे कौन से गुण विद्यमान है उस सुरुचि में जिसने आपका अपमान किया? आज जैसे छोटे से बालक ध्रुव जी ने कहा ना कि एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा, तुरंत मैया सुनीति ने ध्रुव के मुख को बंद कर दिया। कहा बेटा, दान मांगने के लिए कहे तो उनसे मांगना कि मैं मैया सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। मैया मैंने कोई गलती कर दी क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर? मैया सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव, गलती का सवाल है तो बेटा आपने एक नहीं दो दो गलती की है। पहली गलती तो ये की कि तुम मनुष्य बने, क्योंकि तुम्हारा कर्म तो देवताओं के समान है, तो मैं तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था बेटा, और जन्म लिया। वैसे बेटा तुम्हारी मैया सुनीति ने कुछ गलत नहीं कहा है तुमसे, तो मैं तो भगवान से मिलने की प्रेरणा की है, और जो हमें भगवान से मिलने की प्रेरणा देता है ना महाराज, वो सबसे बड़ा हमारा मित्र होता है, सबसे प्यारा हमारा मित्र होता है, और जो हमें भगवान से दूर करे वो हमारा सबसे प्यारा मित्र भी सबसे। नारायण की समाधि लगाओ, नारायण को प्रसन्न करो, नारायण को प्रकट करो। एक 4-5 वर्ष के बालक से एक मैया के भाग्य आ जाओ, फिर कैसे आपके घर में ध्रुव प्रकट होंगे महाराज? प्रहलाद ध्रुव तो प्रकट होने के लिए तैयार है, लेकिन उनके लिए कोई कोख नहीं है। ध्रुव जैसा बालक प्रकट हो उसके लिए कोई सुनीति नहीं है, प्रहलाद जैसा बालक पैदा हो उसके लिए कोई कयाधु नहीं है।